गुप्त सूचना पर खरखोदा में देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत कुमार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके पर एक्सपायरी डेट के घी के डब्बों को भारी मात्रा में उलटफेर करने की तैयारी हो रही थी। वहीं एक्सपायरी डेट के घी को नए टिन में पैक करने का काम किया जा रहा था। मौके पर जिला सोनीपत के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक भी कार्रवाई में जुटे हैं। अभी देसी घी की कीमत का अंदाजा नहीं लग पाया है, जबकि घी के डिब्बों की गिनती जारी है। वहीं बड़ी मात्रा में कृष्णा नाम से देसी घी बनाने व एक्सपायरी घी को नए टिन में पैक करने व नया लेबल लगाकर बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आने से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएसपी अजीत कुमार के अनुसार घी को सोनीपत जिले एवं बवाना दिल्ली के आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाता था। डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि उनकी व खाद्य विभाग एवं डॉक्टर्स की टीम द्वारा सैंपलिंग की जा रही है एवं जल्द ही आगामी कार्रवाई करते हुए दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। खरखोदा में घी पकड़ा गया, क्या मामला है ये? सूचना मिली थी कि इसमें कृष्णा ब्रांड से देसी घी जो मार्केट में बेचा जाता है, जब उसका एक्सपायरी हो जाता है तो वापस आता है रिटेल से, उसको वापस से गर्म करके दोबारा से नए पैकिंग में नई डेट डालकर वापस मार्केट में भेज दिया जाता है। उसी के चलते यहाँ पे एक जॉइंट टीम बनाकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, डॉक्टर्स की, हमारी टीम ने यहाँ चेकिंग की है, जिसमें जो गुप्त सूचना मिली थी वो सही पाई गई है। सैम्पलिंग की जा रही है, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और आगे आगामी कार्यवाही हमारी टीम द्वारा की जाएगी। सर कितना घी पकड़े गया आपको? लिए कुल क्वांटिटी अभी इसकी जाँच जारी है, तकरीबन इसमें हर सारी क्वालिटी हैं, 15 लीटर का भी है, 2 लीटर का भी है, 5 लीटर का भी है, गिनती अभी चल रही है। सर कहाँ पर सप्लाई होता था ये? ये मेनली जो है सोनीपत एरिया में और दिल्ली के बवाना साइड एरिया में यूज़ हो रहा है। अभी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी सर? मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आगामी कार्रवाई करेंगे जी। थैंक यू सर।